हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए नवरात्रि स्पेशल समा के चावल के पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए कितना खिला खिला पुलाव बनाया ना, और देखकर ही लग रहा है कि यार बस खा लो, चाहे व्रत हो चाहे ना हो। वैसे ना घर में जब किसी का व्रत होता है ना, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स के ना ऐश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें व्रत का टेस्टी खाना जो खाने को मिलता है। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। समा के चावल का पुलाव बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए समा के चावल, जो कि आप कह सकते हैं कि जैसे सूजी होती है ना, उसका और मोटा फॉर्म, उससे आप समा के चावल की तरह देख सकते हैं। ये इजीली आपको नवरात्रि के टाइम पे तो मार्केट में मिल ही जाएगा। तो एक बाउल में मैं यहाँ पर आधा कप समा का चावल ले रही हूँ। अब इस चावल को हमें अच्छी तरीके से धुल लेना है। ये चावल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे व्रत में नहीं खा सकते, ये व्रत का चावल है। अच्छी तरीके से धुलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ स्मेल हो, कुछ पाउडर वगैरह हो, या फिर एक्सेस स्टार्च हो, तो वो निकल जाएगा। तो एक से दो बार ही आप इसे धुल लीजिएगा, और फिर इसे मैं एक छन्नी में छान के रख लेती हूँ ताकि जितना भी एक्सेस पानी है वो हट जाए। चलिए यहाँ पर हमने समा के चावल को धुल के रेडी कर लिया है, अब बस बारी है पुलाव बनाने की। अच्छा, क्योंकि ये व्रत का है तो इसमें हम वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जो हम व्रत में नॉर्मली खा लेते हैं। अब कई लोग व्रत में कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ नहीं खाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, आप जो चीज़ खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते हैं, जो मैंने यहाँ पर डाली है, उससे आप स्किप कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं थोड़े से मूँगफली के दाने भून रही हूँ, क्योंकि मूँगफली जब आती है ना समा के पुलाव में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़े से घी के साथ में मैं यहाँ पर थोड़े से मूंगफली के दाने को भून ले रही हूँ। हल्का सा भून लेना है इन्हें, फिर इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू भी ले लिए हैं, और काजू को भी हम भून लेंगे। काजू को ना हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए, तो बस इसे निकाल लीजिएगा। और इसी के साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से मखाने। आप चाहे तो हल्का सा, जिसे मिठास पसंद है ना, वो इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक आध किशमिश आएगी ना, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो मखाने भी मैंने भून लिए, थोड़ा सा ज़्यादा घी लगता है मखाने को भूनने के लिए, ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। चलिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, अब बारी है पुलाव बनाने की। तो सेम कढ़ाई में यहाँ पर मैं एक से दो चम्मच घी और डाल रही हूँ। अब जो लोग जीरा खाते हैं वो यहाँ पर जीरा डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल देती हूँ एक हरी मिर्च, और इसी के साथ में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक टमाटर, जिसे कि मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है। टमाटर डालने से ना हल्का सा खटास आ जाता है। अब जो लोग टमाटर नहीं खाते हैं व्रत में, वो टमाटर स्किप कर सकते हैं, और जब ये आपका पुलाव बनकर रेडी हो जाए, ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिएगा, तो भी आपका पुलाव बहुत ही अच्छा बनकर निकलेगा। अब बस टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ नमक। नमक कौन सा भाई, ये सिंपल वाला नमक नहीं जाएगा, व्रत के लिए है तो इसमें आप सेंधा नमक डालिएगा अपने स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ। अब बस इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा ना टमाटर ना हल्के से मशी हो जाए, तब तक हमें टमाटर को पका लेना है। चलिए टमाटर हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने दो गाजर को इस तरीके से छोटा छोटा कट करके रखा हुआ है, मैं वो डाल रही हूँ। और गाजर के साथ में अगर आपके पास मटर है तो आप मटर भी डाल सकते हैं, या फिर आप जो भी इस तरीके की चीज़ खाते हैं व्रत में, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और गाजर डालने के बाद एक से दो मिनट इसे चलाइएगा, फिर इसमें हम डाल देते हैं समा के चावल जो कि हमने धुल कर रखे थे। अब इसे हमें ना आराम से करीबन दो से तीन मिनट के लिए भुनने देना है। गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिएगा, और समा के चावल को ना इन सारी चीज़ों के साथ भुनने दीजिएगा, ताकि जब इस पे हम पानी डाल के पकाएंगे ना, तो आपका जो समा का चावल है वो अच्छा खिला हुआ आएगा। अगर आप इसे हल्का सा भूनेंगे नहीं ना, तो हो सकता है वो चिपका चिपका बने। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। मैंने यहाँ पर आधा कप समा का चावल लिया था, तो यहाँ पर मैं आधा कप प्लस 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। मतलब जितना आप चावल लेंगे उसका डेढ़ गुना इसमें आप पानी डाल दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट पुलाव बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल खिला खिला पुलाव बनकर तैयार होगा। मिक्स कीजिए, और इसे हम ढक कर रख देंगे करीबन 5 मिनट के लिए। समा के चावल की खासियत ही यही होती है कि ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, और
जब ज़्यादा भूख लगी हो और जल्दी से कुछ चाहिए और ज़्यादा ऑयली भी ना हो, हेल्दी हो, सो दिस वन इज़ गुड टू गो। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक चुके हैं, दाना एक एक पक गया है। अभी आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा चिपका चिपका आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, अब हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से कच्चा घी, 1 या 2 चम्मच घी डालिएगा। इस स्टेज में गैस बंद करने के बाद आप कभी भी किसी भी डिश में घी डालते हैं ना, तो उस घी की खुशबू अलग ही होती है। और घी डालने के बाद मिक्स कीजिए और वापस से ढक कर रख दीजिए। गैस बंद है, करीबन 5 मिनट के लिए इसे ढक कर छोड़ दीजिएगा, तो फिर आप देखेंगे किस तरीके से दाना बिल्कुल एक एक खिल खिल कर आ जाएगा। और वाह जी वाह, ये हमारा समा के चावल का पुलाव बिल्कुल रेडी है। बारी है इसकी गार्निशिंग की, तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हैं सब इसमें हम डाल देते हैं। तो इसमें मैं मूंगफली डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर मखाने डाल रही हूँ और काजू डाल रही हूँ, और साथ ही में इसमें जाएगा शो स्टॉपर हमारी बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती। अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कीजिएगा। अब बस इसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर ना फोर्क का यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बड़ी चम्मच से मिक्स करूँगी तो बड़ी चम्मच मैसी हो जाएगी, फिर मुझे हाथ से उसे क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए इजी टू गो इसे फोर्क से मिक्स कीजिएगा। आइए देखिए कितना बढ़िया हमारा ये खिला खिला समा के चावल का पुलाव बनकर रेडी हुआ है, और इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। देखिए मस्त लग रहा है ना, एकदम मस्त था, मस्त। ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो एक बारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हाँ, कई बारी ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार बना के रख देते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद खा लेंगे जब खाना होगा, लेकिन तब तक ये ठंडा हो जाएगा तो क्या करें। कढ़ाई में आपने ये रखा हुआ है, इसमें आप थोड़ा सा पानी का छींटा दे दीजिए, गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कीजिए और इसे ढक कर रख दीजिए करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इतनी देर में आपका ये समा के चावल का पुलाव बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, बिल्कुल भी इसका दाना कड़क नहीं होगा, और आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने बिल्कुल अभी अभी बनाया है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और इस नवरात्रि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।